हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे होंगे अपने पर्सन के लिए और अच्छा मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे। नेगेटिव थॉट्स से दूर रहने की कोशिश किया करिए जितना पॉसिबल हो सके। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या करंट सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की। जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी हो वो इसे देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई मेल या फीमेल ही हो। बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में आ सकती हैं। उनका करियर हो सकता है, उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पैसा हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से देखिए कि आपको किस कारण से आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको थोड़ा सा साइड कर रखा है या बात नहीं कर रहे हैं, क्या किसे प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं आपके पर्सन। ओके, अभी हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या करंट सिचुएशन है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, ओके, तो 9, 9 एंड 10 की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ ही रहा होगा कि 9, 9 एंड 10 यहाँ पर कुछ चीज़ें डेफिनेटली ख़त्म होने पर हैं, एंड होने पर हैं और कंप्लीट होने पर हैं। यहाँ पर जो आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो नो, रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्टर्ब तो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि वो एक 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 होता है ना, हार या जीत में तब्दील हो जाना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर, क्योंकि वो जो खुशी वो जो ढूंढ रहे हैं, वो जो एक दूसरे के साथ खुशियाँ ज़बरदस्ती वाली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर खोई हुई है। यहाँ पर कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ये हैप्पी मोमेंट्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को एक एक बोझ की तरह एक फील होने लगा है थर्ड पार्टी और आपके आपके पर्सन को, कि इन्हें मुझे हैंडल करना है, इन्हें मुझे खुश करना है, और वो खुद को सेक्रीफाइस करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अगर ज़्यादा जो है लगता है कि नहीं, मैं थर्ड पार्टी को डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मुझे हटना है या निकलना है, तो कुछ लोगों के पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अपनी सारी खुशियों का गला घोट के थर्ड पार्टी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो कि वो भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर फेल्ड हो जा रहे हैं सारे। आपके पर्सन ने ये भी सोचा होगा कि चलो ठीक है, जो भी है, मैं उसकी खुशी में मेरी खुशी, ये बात यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकती हो, बट वो भी रास नहीं आ रही है यहाँ पर, वो भी चीज़ यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी खुशी को करते करते यहाँ पर खुद का गला घोट दिया जा रहा है, खुद को जो है आइसोलेशन में डाल दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा टेंस हैं, इतना ज़्यादा परेशान हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इतनी ज़्यादा कि ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो जाएं, और जो एक जो वो खुशी ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अपनी अपनी लाइफ में वो मिल सके, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में जो ये जो ढूंढने चले थे वो कहीं ना कहीं मिस हो चुका है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। हद से ज़्यादा फियर, डिफ़िकल्टीज़ का सामना, ऐसा लग रहा है कि वो जो वूंड है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्या किया जाए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके चरण सीमा जो है वो ख़त्म होने पर है यहाँ पर थर्ड पार्टी। और मैक्सिमम लोगों के, मैं नहीं जाऊँगी मैक्सिमम, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन के जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड भी मोस्टली हो चुकी, भले ही आपके साथ रीयूनियन ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है। कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में 9 मंथ या 9 वीक्स टू 10 वीक्स हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत 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 ज़्यादा हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो परेशानियों में उलझे दिखाई दे रहे हैं। खुद को स्टेबल करने के लिए, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए अपने आप को जोखिम किए जा रहे हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा गहराई में उन्होंने उतार लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस अब मेरा कुछ नहीं बचा है, मैं दूसरों के लिए जीऊँगा, मेरे खुद की कोई खुशी नहीं है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखिए 10 कंप्लीशन एंड लवर्स, मैंने क्या कहा,
यहाँ पर जो खुशियाँ हैं वो बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो उस लेवल पर नहीं जा पहुँचा है जिस लेवल पर या तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे कुछ लोगों की लाइफ में वो जो रिलेशनशिप एक स्ट्रांग इन्होंने बनाया था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, वो जो अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाना, एक जो अच्छा रिलेशनशिप हो चाहे वो फिजिकल लेवल हो चाहे वो मेंटल लेवल पर हो वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा एक ढीठनेस दिखाई दे रही, जैसे लग रहा है कि ढीठ हो गया है रिलेशनशिप कि चलो ठीक है मैं तुम्हें खुश रखने के लिए खुद को प्रॉब्लम्स में फेस कर लूँगा कर लूँगी पर तुम खुश रहो, पर क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ वो भी नहीं हो पा रही। यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो इशारा कर रही हैं कि बस मुझे एंड करना है इन चीज़ों को। वो जो जिम्मेदारियाँ थी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की वो कहीं ना कहीं एक तरफा दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कब तक खुद को परेशान करेंगे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा, कब तक उन्हें सहना पड़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा, कब तक इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए खुद को कब तक चोट देनी पड़ेगी ये समझ नहीं आ पा रहा, खुद को कितना डिस्टर्ब करना पड़ेगा ये समझ नहीं आ पा रहा है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी के साथ में जो रिलेशनशिप स्ट्रांग चाह रहे थे वो तो बन नहीं पाया है, लेकिन उस रिलेशनशिप को चलाए रखने के लिए कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर हों कि यार चलो नहीं दिल नहीं दुखाएंगे, भले वो आपका दिल दुखा के चले गए लेकिन थर्ड पार्टी का दिल यहाँ पर सोच रहे हैं कि ना दुखाऊँ मैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं आपका तो दिल जो है वो दिखा ही चुका हूँ, थर्ड पार्टी का ना दिखाऊँ, जिसके चलते वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर लगे हुए हैं, सेक्रीफाइस करने पर लगे हुए हैं अपने आप को। चलो ठीक है भाई तुम खुश रहो, जो भी होगा जैसे होगा मैं मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं वो चीज़ें खो गई हैं, वो मिस हो गई हैं सारी चीज़ें जो कि एक एक टाइम पर थी उन दोनों के बीच में। स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही कहीं पर भी दोनों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। बहुत ज़्यादा अचानक से चीज़ें उन लोगों के बीच में घटित हो रही हैं, हो सकता हो अचानक से झगड़ा होने लग रहा हो फिर अचानक से प्यार होने लग रहा हो, एक पल को सॉर्ट आउट कर ले रहे होंगे चीज़, फिर एक टाइम पर ब्रेकअप, मतलब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो हो सकती हैं। कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप एक स्ट्रांग बिल्ड हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो प्यार, वो जो रिलैक्स, वो जो एक खुशी थर्ड पार्टी के साथ में एक एक पल को कभी कभी मिल जाती है वो कहीं ना कहीं बिखर चुकी है। मैक्सिमम पर्सन जो हैं आपके, जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बहुत जल्द थर्ड पार्टी के से बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनको ये चीज़ तो महसूस हो चुका है कि इस रिलेशनशिप में मुझे सिर्फ सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जा सकता है, आगे कुछ भी नहीं हो सकता इस तरीके से। तो ये कुछ रीडिंग्स यहाँ पर करंट फीलिंग्स में निकल करंट सिचुएशन में निकल कर आई हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की, जो कि स्टेबिलिटी नहीं दिखा रही हैं एक दूसरे के साथ में, परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स को ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट करे, जिसके साथ जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।